ना प्रबंधन किया धर्म शास्त्र कह रहा है जो सुख है छे दो किस्म के एक ता होय छे लौकिक सुख और दूसर होय छे पारलौकिक सुख दोनों सुख अगर प्राप्त करे के उद्देश्य है ते दुईटा व्रत व्यक्ति के करे पड़े आ विचार कल जा दोनों सुख केहन होय ते अपने सब के एक ता लालते ने आ घर आंगन दोनों जगह में प्रकाश करवाते ते की कल तू की एकेटा पत्ती एकेटा लालटेन एकेटा आ घरों में इजोत करवा के आंगनों में घरों प्रकाशित होवक चाहिए आंगनों अंधकार से मुक्त होवक चाहिए की कल लालटेन को घर में रख दे तो आंगन प्रकाश से वंचित हो जाते आंगन में रख दे तो घर अंधकार हो जाए कौन उपाय कर दे चतुर व्यक्ति की करे तो लालटेन का चौकट पर रख दे जे चतुर व्यक्ति है एक लालते में तो घर आंगन के बीच में जो चौकट हो बार ढोका लगावा वाला गेट लगावा वाला वो तो गेट पर रख दे तो घरों प्रकाशित हो जाते आंगनों के अंधकार समाप्त हो जाते विद्वान लिखल कि ना आंगन और घर दोनों प्रकाशित करवा के अगर उद्देश्य है तो अपने द्विता व्रत का अनिवार्य करो दिन के नाम पर मंगल अतिथि के नाम पर एकादशी मेडिकल साइंस कह रहा है हम बारंबार रिक्वेस्ट करते लोग हैं कि महीना के 24 दिन व्यक्ति के भोजन करना चाहिए 6 दिन उपवास रहना चाहिए तो महीना के चाहे मंगल हो द्विता एकादशी हो 6 दिन उपवास रह गए तो शरीर अनकंट्रोल नहीं हाथ अपना सबका अस्वस्थ नहीं हाथ बैलेंस मिलल रह नहीं अपना सबका शारीरिक तंदुरुस्ता में कोई किसी के कमी नहीं रहा अपना सब पूर्ण रूप में स्वस्थ रहो अब रहले रूढ़िवादिता समाज में सबसे प्रिय हो हनुमान जी का सिंदूर ऐसा बढ़िया से जानते हो अब सिंदूर हनुमान का चढ़ है तय के बहुत व्यक्ति विधवा थे बहुत के विवाह नहीं गल थे नहीं बहुत विकलांग से बहुत पुरुषियत से अपना समाज में सब से जाना कहते व्यक्ति के बाबूजी जी संसार से विदा भ जाए तो माए विधवा भ जाए तो बेटी के विवाह करे से कहे माए के पहला से बात नहीं दिया दी पड़ोसिया के बुला लाबे से कहे विधवा है ना ते लेल दिक्कत है देखो कते कष्ट के बात हमार माय तो हमार प्यास छी हमार माय कारी है गोर है नहीं निक है तो हमारा लिए गंगा व्यास छी विधवा है साधु है हमारा बेटी का हमार माय आशीर्वाद देते तेईस जते बढ़िया कते ओते बढ़िया पड़ोसिया तो नहीं कि बाबू के मृत्यु भ गए माय जिंदा से तो अपना बेटी विवाह में आशीर्वाद दिया देवे तो बेटियों के वही ना भाई जाते कि ऐसे फॉरवर्ड भ जाए सट जाए हमारे बात बढ़िया से बोल इससे रूढ़िवादिता एक कहे रूढ़िवादिता अपना सबके समाज में रेव अगर क्या रहा थे कोई शक्कर किन के लाभ रहे घर में रख रहे थे प्राण त्याग दे से बता सब लिखे जे नहीं रमिया अच्छी मोहर मारल छे से रमिया में बड़ा तुरंत ज्यादा ना से आधा आधा रेव ले रख लिए रेव रुसते से प्रणता बने गए से पक्की कर रेव वगैरह क्या कर भगवान क्या कहे छे भगवान नहीं लेल कहे जो भावना पवित्र छे तोरा भेद भाव नहीं छे पॉलिटिक्स नहीं करे छे देवता क्या कहे छे देवता अगर वो हो रुई से बदला लिया लागे तो वो लोग उतर देते कि इलेक्शन में उतर दे मंत्री बनाते हुए देवता तही लेल कहे देवता प्रतिशोध के भावना नहीं रखे वो देवो करे छे पतेवो करे छे इंडिकेटो करे छे बढ़िया से ध्यान दे हाँ तो बढ़िया से विचार करे हमार माय छे पवित्र छे हमारा लिए अपना सबके समाज में ककरो दुईटा माय रहे छे मतलब पिताजी का दुईटा घरवाली रहे छे कहे छे हे तू मोर नहीं चढ़ाब कहते तू मलबा में मनहन नहीं था मतलब छोड़ो के ना दूटा घर वाली जाए मतलब फॉरवर्ड जाए मतलब कंसेप्टे समाज में बिगड़ गए पंडितों सब कह रहे तैयार नहीं है तेरे दिन भर सीधी जा पड़ते फ्रॉड ब्रेड के जरूरी है अध्ययन के जरूरी है आए पाए काला से सजनिया मोरी ने लागी गए सुंदरी मदाक्ष काला से कम तब तक यूनिवर्सिटी में पढ़े पड़े बात नहीं है बोलो ताप हमार छे हमरा माय दुईटा माय छे हमरा मोर या त हमर जन ई देने से हमर पिता ई छे ता दसटा घरवाली है मेकर बेटा छे हमरा मोर ई ने चढ़ेते हमरा बहिन के विवाह में मरवा ने बाते बा 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 पे त विचार करे के बात से ई सब रूढ़िवादिता छे समाज में बात का हटावे पड़ते बढ़िया से माजे पड़ दोसर बात की छे अपने के अपना सबके समाज में कहे हनुमान के सिंदूर के चढ़ेते सब कोई चढ़ेते विधवा से सेहो चढ़ेते साध्वी से सेहो चढ़ेते कुमारी से सेहो चढ़ेते किया
हनुमान जी का सिंदूरे प्रिय छे, अपना नहीं लगे थे जे विधवा थे, जो अपना लगे छे हनुमान के चरण में, और सब कोई हनुमान के चरण में कोई नहीं भीड़ सके थे, साधुओं के भीड़े के अपने के क्षमता नहीं छे, पुरुषों हनुमान जी के शरीर में नहीं भीड़ सके थे, अलग से छीता मत विचार करे के बात है। हनुमान के व्रत से व्यक्ति के संपूर्ण वैभवता भेटे, हनुमान का सिंदूरे प्रिय की से। दू मिनट अपने के छोटा सा उदाहरण ब्रेनवास कर रहा हूँ, आपका अंतिम चरण मिला रहा थी। भगवान हनुमान के सिंदूरे प्रिय क्या, एक दिन महारानी सीता सिंहास से सुसज्जित भागे हवेली से बाहर गई, हनुमान जी देखा कि साष्टांग दंडवत करकिन, बड़ा गौर से पैर से लाके सिर तक अपने के देखने शुरू कर दिए, और हाथ जोड़ कर के मातेश्वरी कल के हाँ पुत्र कल के अपने के शरीर में जितना श्रृंगार लागल है एवं सबसे शोभनीय सबसे उत्तम सबसे बढ़िया अपने के मांग के सिंदूर बुझा रहा है। अपने सिंदूर क्या लगेने छी तकर की महत्व, महारानी सीता कल के पुत्र सिंदूर धारण कला से हिंदू संस्कृति के आधार पर इनकर संरक्षक तैयार भ गेल, दोसर के अधीनस्थ भ गेल, इनकर विवाह भ गेल, दाम्पत्य गांठ में बढ़ा गेल साबित भ जाए पहला बात। कल के दोसर पति देवता दीर्घायु हो त मालिक के आयु लंबा हो। हनुमान जी सोचल कि हम तो कहियो सिंदूर नहीं लगेलो, हमार मालिक फल फले बन मिल जाए समस्या भाई, मालिक तो मालिक हो गए। हनुमान जी के बुझेले जे हम कहियो नहीं लगेलो, हमार मालिक धरफल में मिल जेते तो नहीं ठीक हेतु, एक का चिटकी लगेबे तो बढ़बे कते कर। हनुमान जी के बड़का खाद उड़ दिलखिन गढ़ा, अब 25-30 बोरा सिंदूर गिरा के बेचारा डूबिए गला, सोचल कि पूरा स्पीड पकड़ लेते, एक का चिटकी के खतबू लगेने हेतु तो कंपटीशन कर दिया था माध्यम से, सोचल कोई बात ही नहीं बेचारा सिंदूर में डूब गए। भगवान राम तो सारा दुनिया के दाना निहार सला अंतर्यामी छे, भगवान राम कल के हनुमान हनुमान जी निकल लाओ सिंदूर से लाले लाल थल शरीर, कल के हनुमान कल के हाँ प्रभु कल के शरीर लाले लाल देख रहा हूँ, कल के सरकार अपने के आयु बढ़वत रही। भगवान राम कल के हमार आयु कल के हम आए कल के कौन हिसाब से, कल के मातेश्वरी कल के सिंदूर लला सा मालिक दीर्घायु होते हम तो कहियो लगेने नहीं रही, हम तो सोचलो अपने धलफड़े में न चल जाए समस्या भ जात तो हम सिंदूरे में डूबिए गए। भगवान राम कल के बड़ा खुशी हो गए, जिसके चलते हनुमान का अपने आग में नहीं जरब, अपने पैन में नहीं सड़ब, अस्त्र से अपने नहीं कटब, गुण के निधान भ जाब, भगवान के प्रिय भक्त आब आशीर्वादे भेट गए। पहला कारण जैसे सिंदूर उनका प्रिय बन गए। दोसर कारण जब भगवान राम अयोध्या नरेश बनला तो सबका प्राइज देने शुरू कर, हनुमान जी की हीरा के हार दे दे, हनुमान जी हीरा का दांत से फोड़ के फेंक दे रहे, विभीषण कल के नए हनुमान कल के हाँ महाराज कल की नहीं अपने की खोज रहा हो, कल की नहीं मैं राम खोज रहा हो, कल की अपने के भीतर में है, कल के हमारे भीतर में सीता राम दोनों है, कल के दिखाओ कि तुरंत छाती के पीछे फोड़ल की छाती, सीता और राम के फोटो झलकल, फोटो तो झलकल लेकिन बिधिड़ जो भेल फाटल तो ब्लड जा लागल खून जा लागल, महारानी सीता के नहीं देखल गए मान के सिंदूर उंगली में लगा के और उनके हृदय पर जो लगा दिल्कि जैसे प्लास्टर लग गए। तय दिन से हनुमान जी का सिंदूर और अधिक प्रिय लग गए। दूसरा कारण था, तीसरा कारण एक दिन भगवान राम साकेत के तरफ फिरा था संग में महारानी सीतो जा गए, हनुमानो जी दौड़ के गेल किस दूर जा गेल है तो भगवान राम कल के हनुमान कल के हाँ प्रभु कल के आब हाँ फिरता भ जाओ, कल के किया कल के हम साकेत जा रहा हूँ, कल के हम ऊँच चलब, कल के नहीं साकेत हमी टा जा सके छी दोसर के जाए के अधिकार नहीं है, कल के माता जी जा रहा है, कल के इनका सर्टिफिकेट है, कल के कौन सर्टिफिकेट, कल के माथा में सिंदूर लागल या छी प्रमाण पत्र, जे व्यक्ति के मांग में सिंदूर लागल रहे थे उनका यमदूत नहीं पकड़ सके थे, दुनिया के कोनो गेट पर नहीं रेख सके थे। अपना सबके समाज में पति देवता जिंदा रहे थे और पत्नी मिल जाते कि डायरेक्ट साकेत चल गए व्यक्ति के कारण असल सुहाग चल गए। हनुमान जी दौड़ का अपना कोठा में गला और पूरा शरीर में सिंदूर लगा कर दौड़ गया, कल के सरकार हम ऊँच चल कल किया कल के हमरो प्रमाण पत्र कल के कहा पूरा त्यापा लगा कल चलो वहाँ का फुर्सत लगे छुट्टी लगे फिर हनुमानो जी का लगे पिता कई दिन से हनुमान के लिए सिंदूर प्रिय बन और किस चढ़ाव में चढ़ाव हनुमान जी का अनिवार्य रूप से
घी और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान के पूजा केना करना चाहिए, दो मिनट मम्मी के पूजा के विधान आ कतो हम दू चार पाँच मिनट बताई छी।